अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दही भल्लो की रेसिपी तैयार करूंगी। उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। 3 पाव दही ले रही हूँ मैं इसमें, एक छोटे साइज का टमाटर, 3 अदद हरी मिर्च, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून नमक एंड हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 मग कुकिंग ऑयल, 2 मीडियम साइज़ के आलू, मैंने इसे बॉईल कर लिया है, 1 प्याली पानी एंड 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, मूंग की दाल ये हाफ प्याली है, इसे मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया था, इसका पानी मैंने फेंक दिया है, और ये माशी दाल ये फुल प्याली है, इसे मैंने भिगो के रखा था आधा घंटा, ये वाली प्याली दाल की। मैं सबसे पहले मैं दाल ऐड करूँगी, दालों को ग्राइंड कर लूँगी और माश की। हेलो, जब मैं ग्राइंड करूंगी तो इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा मैंने सा अच्छे से पानी भी ऐड ग्राइंड करती करके मैंने जाऊंगी। इसे बाउल में निकाल लिया। अब मैं इसके अंदर सुरख मिर्च, नमक और जीरा ऐड कर दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। साथ ही मैं इसके अंदर एक चुटकी मीठा सोडा ऐड करूंगी। अच्छे से इसे मिक्स कर लें ताकि ये सारा जो मैंने इसके अंदर मसाला ऐड किया है वो अच्छी तरह अच्छे से से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ऑयल में फ्राई जाए। करूंगी और उसके बाद मैं इसे पानी में रख दूंगी। आप आप चाहें चाहे आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल मसाला ऐड तेज रख करूंगी। सकते हैं। कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसके अंदर दालों का जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था वो सारा मिक्सचर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। चम्मच की मदद से मैंने इसके अंदर जो मिक्सचर तैयार किया था दालों का, वो मैंने भले बनाने की इसे मैं साइड चेंज कुकिंग ऑयल कर में डाल दूंगी। दिया। ये भी थोड़ा कच्चा है। अब मैं इनकी साइड भी चेंज कर दूंगी। ये एक तरफ से इनका कलर चेंज हो गया है, दूसरी तरफ से इन्हें पकाने के लिए हम इधर इसे की लोगों साइड चेंज मैंने कर देंगे। ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया है, मैं इसे निकाल लूँगी। और इसे नॉर्मल पानी में मैं डालती जाऊँगी। नॉर्मल पानी में निकाल लिया है, अब मैं इसे 5 से 10 मिनट पानी में रखूँगी। 10 मिनट के लिए मैंने इसे भिगो के रख दिया था, अब मैं इसे निकाल लूँगी अच्छे से इनका पानी निकाल के, और इसे मैं प्लेट में निकाल लूंगी। बारी बारी सारे भल्ले मैं ऐसे निचोड़ती जाऊंगी और निकालती जाऊंगी। अच्छे से इसका पानी निकालें, इसके अंदर पानी ना रहे वरना ये अच्छे नहीं बनते। भल्लों को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है पानी में से। आलू को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और प्याज को भी स्लाइसेस में, और साथ ही मैंने टमाटर और मिर्चों को भी बारीक साइज में कट किया है। अब मैं प्लेट में भल्ले रख दूंगी ऐसे जो मैंने निचोड़ लिए थे। अब इसके ऊपर मैं आलू डाल दूंगी जो मैंने उबाल लिए थे और इन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ ही मैं इसके अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसके ऊपर दही ऐड कर दूंगी। बस इतनी बहुत है। ये सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इसे मैंने सिल में थोड़ा सा पीस लिया है, इससे इसकी खुशबू हो जाती है। अब मैं इसके ऊपर लाल मिर्च डालूंगी।
और थोड़ा सा नमक। नमक अगर बाद में, थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड करेंगे, आप बाद में अगर इसमें आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लीजिए।